नमस्ते सब लोगों को। मणिपुर का जो घटना घटी है ये तो बहुत दुख का बात है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत संवेदनशील है। जो वीडियो सामने आए हैं, मणिपुर का बेटी देश का बेटी है, लेकिन हम लोग भी कुछ बोलना चाहते हैं। ये पंचायत चुनाव के नाम से ये खून का चुनाव हुआ, जो संतराष का चुनाव हुआ, जो महिला के अत्याचार के ऊपर चुनाव हुआ, ये चुनाव नहीं है, ये भी महिला लोगों का एक अत्याचार का एक पिक्चर सामने आया। बहुत सारा घटना महिला के ऊपर घटती है। लास्ट 12 साल में आप देखिए तो ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी बार बार महिला के ऊपर घटना घटती है। इस पंचायत चुनाव में 8 जुलाई डे ऑफ इलेक्शन पांचला में एक महिला कैंडिडेट था ग्राम सभा का, उसको बूथ के अंदर जाके उसको मतलब FIR भी किए हैं, बूथ के अंदर जाके उसको विवस्त्र करके उसको सामने उसको प्राइवेट पार्ट में उसको टच करके ये सब बदतमीजी किया। अब डोमजूर में 11 जुलाई काउंटिंग के दिन एक तृणमूल का कैंडिडेट, मैं बोलना चाहती हूँ महिला है, वो TMC का ही कैंडिडेट है, काउंटिंग के रूम के अंदर में जाके उसको मतलब इतना उसका अत्याचार किया। उन्होंने भी खुद मीना जाना, उन्होंने भी खुद FIR किया डोमजूर से। आप देख रहे हैं कि वहां का कुछ वीडियो नहीं है, वीडियो वायरल नहीं हुआ, कोई वहां पे जाके ऐसा वीडियो नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पे तो गन लेकर सब काउंटिंग रूम में चला गया ना, सब गन लेके बॉम्ब लेके गया, महिला को सामने खड़ा करके उसको बंदूक देके सर पे बंदूक लगा के उसको नेकेट किया, उसका अत्याचार किया। तो उसका कोई जांच नहीं होगा, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अभी कांग्रेस भी अभी ममता बनर्जी के साथ जुड़े हुए है, इंडिया नाम से भारत का नाम दिया, इंडिया दिया। क्या सोनिया गांधी क्यों चुप है, प्रियंका गांधी क्यों चुप है? क्योंकि ममता बनर्जी को साथ उन्होंने दिया है। बाकी प्रदेश में जाके ये लोग रोते हैं, लेकिन बंगाल में जाके ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अधीर चौधरी जी है, उनको एक बार पूछ ले कि बंगाल में उनका क्षेत्र मुर्शिदाबाद में क्या क्या हुआ है। एक के बाद एक घटना घट रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री महिला होके भी चुप है। आप लोग बोलिए हम लोग कहां जाएंगे, हम लोग भी महिला है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटी और लोग को बचा ले। हम लोग भी देश का बेटी है, मणिपुर का भी देश का बेटी है, पश्चिम बंगाल बाहर नहीं है, पश्चिम बंगाल देश में ही है। प्रधानमंत्री जी कल मणिपुर का घटना के लिए कल बोला, लेकिन सब राज्यों को बोला, हमारे सब बेटियों लोगों के लिए बोला कि सब राज्यों में कानून व्यवस्था स्ट्रांग होना चाहिए। सिर्फ मणिपुर का बेटी नहीं, देश का बेटी है वो, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए भी कुछ बात आप लोग करें। हमारा बेटी कहां जाएंगे, पंचायत चुनाव में जिला परिषद का प्रार्थी हमारे इलाके में, उसको मतलब बाल एकदम एक करके लेके बाहर फेंक दिया उसको काउंटिंग के टाइम में। हम कुछ नहीं कर पाए, हम सिर्फ देखा, पुलिस को बोल रहे हैं पुलिस लाभ चले जाइए। मणिपुर में जो घटना घटी वो दुखद घटना है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, और ऐसी घटना कहीं पे होनी नहीं चाहिए।
लेकिन इससे क्या पश्चिम बंगाल की साउथ पाचला में बीजेपी के ग्राम सभा के पंचायत में इलेक्शन में खड़ी होने के लिए एक महिला को बीजेपी वर्कर को नेकेड करके नंगा करके घुमाया गया, ये क्या मणिपुर से कम दुखद घटना है? आज के दिन फर्क यह है कि इसका वीडियो नहीं है, क्योंकि यहां पे वीडियो करने के लिए मैं ममता बनर्जी की पुलिस, ममता बनर्जी के गुंडे किसी को अलाउ नहीं करेंगे। आज बंगाल की प्रमुख मीडिया ने दो न्यूज छापी है, एक ही दिन के अंदर बंगाल में, एक अलीपुर द्वार में, एक बीरभूम में, मतलब एक उत्तरी बंगाल में एकदम उत्तर की तरफ और साउथ बंगाल में बीरभूम में दो महिलाओं को नंगा करके और एक महिला को गंगा करके गधे के पीठ में बैठा के गांव में घुमाया गया। एक ही दिन में घटना घटी। कारण जो भी हो, इसमें पॉलिटिकल कारण नहीं, अलग कारण है, अलग बात है, लेकिन महिलाओं के सम्मान के साथ जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में खिलवाड़ हो रही है वो चिंताजनक है।